हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज ऑल वाटर स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे स्पीडी करंट अफेयर, जो बुक दोस्तों ईयरली करंट अफेयर एक साल का पूरा जनवरी से दिसंबर जितना दोस्तों, और जो आपका जनवरी से फरवरी तक आ गया है वो पूरा दोस्तों हम कवर करेंगे। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत लगभग 650 क्वेश्चन दोस्तों आपके होंगे, ये क्वेश्चन लगभग आपके 650 क्वेश्चन होंगे और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण। जैसे आपका हो गया जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है बिहार पुलिस का हो गया, 14 से 21 मार्च का होगा, और आपका NTPC का हो गया जो चल रहा है वर्तमान में अभी, और ग्रुप डी का होगा, और SSC CHSL SSC MTS जितना भी दोस्तों एग्जाम होने वाला है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सो इस वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक जरूर देखिए दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर भी करें अपने दोस्तों के पास। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, ठीक है दोस्तों, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जारी वर्ष 2020 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकों में भारत को कौन सा स्थान मिला है, कौन सा मिला, 86वां स्थान मिला है। दूसरा देखिए, हाल ही में किसे 42वें उपसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, तो किसे किया गया, CP मोहंती को किया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है, तो किसको मिला है, मैं थोड़ा इसको स्क्रॉल कर देता हूँ, तो किसको मिला है, तो ये आपको मिला है राजेंद्र कुमार भंडारी को, ठीक, राजेंद्र कुमार भंडारी दोस्तों मिला है। चार नंबर देखिए, हाल ही में कौन दो एक्सप्रेस पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, तो कौन बन गया दोस्तों, ये बन गया आपका उत्तर प्रदेश। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितनी हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है, तो कितनी हस्तियों को, 119 हस्तियों को, ठीक है। आगे देखिए, लगभग तो सारे 600 क्वेश्चन आप वीडियो में पूरा बने रहिए और आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मैं आप गारंटी लेता हूँ ये बात की। अगला क्वेश्चन देखिए आपका, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य कारण क्या है, तो क्या है दोस्तों, COVID-19 योद्धा, ये सबको पता होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस की परेड में निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है, तो किसको किया, आपके पास 2021 वाला था ये उत्तर प्रदेश। दोस्तों याद रखिए 2020 वाला जो था उसमें असम को बेस्ट झांकी के लिए दिया गया था, ठीक है, ये 2021 का बात हो रहा। देखिए मैं इतना फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और क्वेश्चन मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कराने हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त किया है, किसने, बासमती चावल, पाकिस्तान देश ने दोस्तों अपने बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने घोषणा की है, तो किसने की है, ये अपने भारत देश ने की है, ठीक है। आगे देखिए, संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी, तो कितने दोस्तों होगी, ये होगी आपका 7.7%, ठीक। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021 में 21 से 22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है, इसका ऑप्शन देखिए, इसका ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर है, इसका ऑप्शन यहाँ है, तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो जाएगा आपका 11%, क्या हो जाएगा, 11%, ठीक। चलिए आगे देखिए, जर्मन वॉच के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न से कौन सा स्थान पर रखा गया है, तो कौन से स्थान पर रखा गया दोस्तों, ये आपको भारत को 7वें स्थान पर रखा गया, ठीक। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने परसेंट रहने का अनुमान लगाया है, तो कितने परसेंट, ये लगाया आपका 7.3%, ठीक। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन की शुरुआत की है, तो किस राज्य सरकार ने जेल पर्यटन की शुरुआत की है, ये महाराष्ट्र सरकार ने, उद्धव ठाकरे वहाँ के मुख्यमंत्री उसने की है। आगे देखिए, जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया है, तो किसको, शिंजो एबे को दोस्तों किया गया है। ये शिंजो एबे पूर्व प्रधानमंत्री जापान के थे, अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री जापान के हैं वो है आपका योशिहिदे सुगा, ये वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, स्पेन और किस देश ने हाल ही में 590 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो स्पेन और किस देश ने, स्पेन और फ्रांस ने दोस्तों अभी अभी 590 मेगावाट की सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने का समझौता किया, ठीक। आगे देखिए, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है, कितने पदकों को, 40 हस्तियों को, ठीक, चलिए 40 व्यक्तियों को। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है, तो किस दिन मनाया जाता है, ये 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका मनाया जाता है, ठीक। आगे देखिए, आगे आपका 19 नंबर,
अमेरिका में बाइडेन प्रशासन ने नियुक्त से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो किसे क्या है दोस्तों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा तारक शाह को, ठीक, चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया। अगला देखिए, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न कितने बच्चों को चयनित किया गया है? तो कितने बच्चों को, 32 बच्चों को चयनित किया गया। किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो किस राज्य सरकार ने, मध्य प्रदेश के राज्य सरकार ने चीफ पंख योजना को लॉन्च किया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपका है, क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान रॉयल्स का जो क्रिकेट निदेशक नियुक्त है कौन, वो कुमार संगकारा, श्रीलंका के बल्लेबाज। आगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को JEE+ सुरक्षा प्रदान की है? तो किसको की है, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। वर्तमान में न्यायाधीश कौन है, SS बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े, 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में किस देश ने UAE की मंजूरी के बाद अबूधाबी में अपना पहला दूतावास खोल दिया है? किस देश ने, इजराइल ने। भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसने बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो कितने करोड़ रुपए का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2 करोड़ रुपए का। आगे देखिए, जकार्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है, ये किया गया जयंत खोबड़ा गड़े। आगे देखिए, मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि आपको कम समय में काफ़ी क्वेश्चन बता सकूँ, ठीक है। आगे देखिए, निम्न में किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रयूजगंज में सड़क का निर्माण किया जाएगा? किसके नाम पर, सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। आगे देखिए, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसने किया ये दोस्तों, ये आपका किया है DRDO, ठीक। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा, जिसको बोलते हैं आप, कार्य दिवसों की संख्या को 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया। जो आपका मनरेगा कार्य था वो 100 दिन का होता था, लेकिन इसको 150 दिनों तक कर दिया। किस राज्य ने किया है, ये उत्तराखंड राज्य ने किया, ठीक। आगे देखिए, आगे आपका 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के साथ एक रियासत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कितने दोस्तों, 3, ठीक है, 3 हवाई अड्डों। आगे देखिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है? तो किसने की है, गुजरात सरकार ने की है। आगे देखिए, निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है? तो किस ट्रेन का, हावड़ा कालका मेल का है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, आए क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 33 है आपका, हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों का प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया गया है? तो किस देश ने, तो रूस ने दोस्तों अभी अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री के समेत 28 अधिकारियों का प्रतिबंध लगाने का आरोप लगाया है। आगे देखिए, किस कंपनी ने हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग की उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो कौन सा कंपनी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, यानी कि भेल जिसको बोलते हैं। आगे देखिए, आगे 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 35 आपका है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दी? कौन दोस्तों, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक 20 जनवरी 2021 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के बीच ऊर्जा के बारे में समझौता किया गया, सौर ऊर्जा के बारे में। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रिटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है? तो कितने मेगावाट पावर को, 850 मेगावाट पावर को, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान में से किस देश को प्राप्त हुआ है? तो चौथा स्थान दोस्तों ये अपने भारत को प्राप्त हुआ, ठीक। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 आपका, गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो क्या रखने की घोषणा की है, कमलम फ्रूट। आगे देखिए, भारत में सबसे पहले निम्न से किस पड़ोसी देश को 150,000 कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार किया? मतलब कि जो भारत में कोविशील्ड वैक्सीन बना कोरोना का, भारत ने सबसे पहले किस पड़ोसी देश को दिया? तो किसको दिया है, भूटान को दिया, ठीक है। आगे देखिए,
गणतंत्र दिवस में परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाले प्रथम महिला फाइटर कौन बन गई दोस्तों? ये बन गया आपका भावना कौन, ये सबको पता होगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आपका है। क्वेश्चन 41 है, किस देश की सरकार ने हाल ही में COVID-19 के प्रभाव से उबरने में मदद के लिए 3.7 बिलियन डॉलर के पैकेज की घोषणा की है? तो ये किसने किया दोस्तों? ये मलेशिया देश ने की है 3.7 बिलियन डॉलर कोरोना से उपजने के लिए, उबरने के लिए। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? तो पराक्रम दिवस को। दोस्तों प्रत्येक साल 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है, आपके बारे से पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ठीक है, हर साल फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार किया? तो कितने वर्षों बाद? 14 साल बाद। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आप इसको शेयर जरूर करें। आगे देखिए, निम्न से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारियों रॉबर्ट क्लाइव के सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो कौन से देश ने? ब्रिटेन ने। ठीक, आगे देखिए, भारत ने हाल में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है? तो 3, 4, 5, 2, तो उसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, आगे देखिए, हाल में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख रणनीतिक साझेदार करार दिया गया? तो किसने दिया गया? अमेरिका ने। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है, अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापस की घोषणा की है? तो किसने की है? रूस। दोस्तों ओपन स्काई संधि एक मिशन है, एक तरह से ट्रीटी है, तो उसमें अमेरिका अलग हो गया और अमेरिका के बाद रूस भी उससे अलग हो गया, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, अब दोस्तों अमेरिका आपका वो क्या कहते हैं, ब्रेग्जिट से भी अलग हुआ था, इसको EU से भी अलग हुआ था, पता होगा आपको, EU से भी अलग हुआ था अमेरिका। ठीक है, और WHO से भी अलग हुआ था, ये सब आपको पता होगा। आगे देखिए, अमेरिका के भावी प्रथम महिला जिल बाइडेन की नीति निर्देशक से किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? माला अडिगा को। आगे देखिए, क्वेश्चन अगला है, किस भारतीय निशानबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है? तो किसने किया है? सौरभ चौधरी ने किया है। आगे देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका है, दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? किसको किया? संदीप अग्रवाल को। अगला देखिए, कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है? दोस्तों कोरोना काल में भी चीन की अर्थव्यवस्था घटी नहीं बल्कि बढ़ी है, तो कितने बढ़ी है? 2.3% बढ़ी है, चीन की अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है। अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया गया है? तो किसे किया है? ये कि आपको क्यूबा को अमेरिका ने आतंकवाद के रूप में प्रायोजक देश के रूप में घोषित कर दिया है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक शहर मतलब भीड़ भाड़ वाला शहर कौन सा है? तो कौन सा है? मास्को है। ठीक है, आगे देखिए, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? मतलब गुजरात सरकार ने एक नई नीति लागू करने की घोषणा की है, तो वह नीति कौन सी है? तो कौन सी है वो? वो तो आपका नई पर्यटन नीति है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट, निम्न में से किस देश ने चीन के झिनजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो चलिए ऑप्शन इसका देखते हैं हम, इसका ऑप्शन यहाँ है, इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, ऑप्शन इसका देख लीजिए आप, ऑप्शन है पाकिस्तान, ऑप्शन यहाँ पर आपका है पाकिस्तान, जापान, रूस, अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका दोस्तों हो जाएगा अमेरिका ने। ठीक, आगे देखिए, RBI ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉयस बैंक AG पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका 2 करोड़ रुपए का। ठीक, आगे देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया गया? तो किस शहर में किया? Washington DC, जो कि अमेरिका की कैपिटल है। ठीक, आगे देखिए, आगे दोस्तों आपका है, भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्य से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं? तो किसने लगा दिए हैं? गोवा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा। ठीक है,
आगे देखिए 58 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा गोवा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 59 आपका है, क्वेश्चन नंबर 59 आपका है, अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति महाभियोग के माध्यम से अपने पद से हटा दिए गए हैं? तो दोस्तों अभी तक एक भी नहीं हटाया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं, कोई भी अमेरिका राष्ट्रपति अभी महाभियोग के द्वारा नहीं हटाया गया। आगे देखिए, गोवा में आयोजित 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस कंट्री के रूप में किसे चुना गया? यानी कि फोकस कंट्री तो किसे दोस्तों? बांग्लादेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, दुर्लभ धातु वेनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो कहाँ पाया गया दोस्तों ये दुर्लभ धातु है वेनेडियम, ये कहाँ पाया गया? ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगी? तो कौन सी एजेंसी दोस्तों? नासा ये करेगी। ठीक, नासा अमेरिका का दोस्तों स्पेस एजेंसी का नाम है। ठीक, आगे देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है? तो किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया RBI ने? महाराष्ट्र स्थित वसंत दादा नागर नगरी सहकारी बैंक। आगे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 64, अमेरिका के नव निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडन ने निम्न में से किसे CIA का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे क्या है? विलियम बर्न्स को किया है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर से पुलिस में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो कितने परसेंट महिलाएं हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 16.5% अभी तक महिलाएं हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी दोस्तों इसका जो गलती बता दी मैंने, इसका आंसर होगा 10.3%, अभी 10.3% महिला है वर्तमान पुलिस, पूरे पुलिस में। ठीक है, आगे देखिए 66 नंबर, स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल में इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो इसका हम चलिए ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन कुछ इस तरह है, आप देख सकते हैं ऑप्शन, सुनील छेत्री, पॉल पोगबा, जोसेफ बिकॉन, अनिरुद्ध थापा। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका जोसेफ बिकॉन। दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब गोल करने में इस भाई साहब के बराबर हो गए हैं। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 67, किस देश की सरकार ने हाल ही में COVID-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपये का ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? तो किसने दोस्तों की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जापान ने की है। ठीक, आगे देखिए, निम्न से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो किसने की दोस्तों? गृह मंत्री अमित शाह ने की है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन 69 आपका है, केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकाय में सुधारों के लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य तीसरा बन गया है? तो कौन सा दोस्तों? वो आपका तेलंगाना है। ठीक है, तेलंगाना। अगला देखिए, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए गए हैं? सर दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ताइवान। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में कौन सा भारतीय बल्लेबाज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो कौन हो सकता है दोस्तों? वो आपका रोहित मैन, यानी कि रोहित शर्मा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, 72 क्वेश्चन आपका है, किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतेह 1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो फतेह 1 जो दोस्तों अभी तक बैलिस्टिक मिसाइल है, यह परीक्षण किया दोस्तों पाकिस्तान ने। ठीक है, आगे देखिए, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो कौन दोस्तों? एलन मस्क, जो कि टेस्ला कंपनी के संस्थापक है। आगे देखिए, केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट के कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 8 परियोजनाओं को। ठीक है, आगे देखिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में GDP की विकास दर निम्न से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका 7.7%। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की घोषणा की है? तो कितने करोड़ रुपए की? 28,400 करोड़ रुपए की घोषणा की है। आगे देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने साल का कार्यकाल 4 जनवरी 2021 को शुरू किया? दोस्तों 4 जनवरी 2021 को भारत का फिर से UNSC में भारत का अस्थायी सदस्य के रूप में कार्य शुरू हो गया है। तो कितने साल के हुआ है?
तो ये 2 साल के लिए हुआ, ठीक है, 2 साल के लिए, मैंने आपको ऐसे ही बता दिया बिना ऑप्शन के, ठीक है, 2 साल के लिए, याद रखिएगा। वैसे ऑप्शन भी है, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 78 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 78 आपका है, क्वेश्चन नंबर 78 आपका दोस्तों है, किसे दूसरा बार अमेरिका संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है दूसरी बार, तो किसे दोस्तों, नैन्सी पोलोसी को। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत विकास में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया गया है, तो कौन दोस्तों, इसका जो सही आंसर दोस्तों जाएगा वो होगा आपका ईरान ने, ठीक। आगे देखिए, हाल ही में किसने भारतीय सेना के मानव अधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार संभाला है, तो उसका जो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका मेजर जनरल गौतम चौहान ने। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 81 आपका है, देखिए क्वेश्चन नंबर 81 पर हम पहुंच गए हैं दोस्तों, वीडियो पूरा तक बने रहिए आप, अगर आपको एक भी क्वेश्चन बार सभी क्वेश्चन करना चाहते हैं आप, करंट अफेयर से एक भी छूटना चाहिए। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों को सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जापान, ठीक। आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया गया, मृत्युदंड को दोस्तों उसने समाप्त कर दिया, तो कौन दोस्तों, वो कजाकिस्तान, ठीक। आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया गया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका केरल स्टेट ने, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है, तो कौन दोस्तों, ये होगा जर्मनी, इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का इस माह को किस देश का दौरा टल गया, तो किस देश का, सिंपल सी बात है, सभी को पता होगा भारत, भारत आने वाले थे गणतंत्र दिवस पर बोरिस जॉनसन इस साल, लेकिन कोरोना कारण नहीं आए, ठीक है। आगे देखिए, द क्रॉनिकल ऑफ फिलेंथ्रॉपिक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया में सबसे ज़्यादा दान किस व्यक्ति ने दिया है, तो किसने दिया दोस्तों, अमेजन संस्थापक जेफ बेजोस ने सबसे ज़्यादा दोस्तों डोनेशन दिया है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 87 आप देखिए, आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों में का उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, तो किस पर दोस्तों, बजाज फाइनेंस लिमिटेड, यानी कि सी इज द राइट आंसर, सी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल का खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल में के रूप में शुभारंभ किया है, चलिए इसका हम आंसर ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन देखिए, यहाँ ऑप्शन है आपका, तो इसका सही आंसर होगा वो होगा आपका शिलोंग में, ठीक। आगे देखिए, भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में किसे नियुक्त किया गया, यानी कि हाई कमिश्नर, ब्रिटेन में हाई कमिश्नर दोस्तों कौन है इसका, ब्रिटेन का भारत में तो कौन है, ये आपका आपका अलेक्जेंडर एलिस, तो इस 89 का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलेगी, नर्मदा नदी दोस्तों बोला खंडवा जिला, तो सिंपल सी बात है MP है, ठीक है, मध्य प्रदेश। आगे देखिए, कीवर्ड पहले ही हमें मिल गया। आगे देखिए, कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, तो कौन सकता है दोस्तों, ये ब्रिटेन को होगा, जिसके कारण अभी बोरिस जॉनसन नहीं आ पाए थे, ठीक है। चलिए देखिए, निम्न से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है, तो कौन सा वो राज्य है दोस्तों, राजस्थान है। राजस्थान का अगर कोई प्लेयर ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतता है तो राजस्थान सरकार उसे 3 करोड़ रुपये दो 3 करोड़ रुपए देगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया गया, तो किसने किया दोस्तों, ये अमेरिका ने किया अभी तक, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की वह तमिल भाषा और संस्कृत की रक्षा के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी की स्थापना करेगी, तो कौन दोस्तों, वो है आपका दिल्ली, ठीक है। चलिए आगे देखिए, किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मार्सडन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, तो किस देश दोस्तों है गैरी मार्सडन, तो इसका सही आंसर दोस्तों वो होगा आपका इंग्लैंड। गैरी मार्सडन कहाँ के है, एक संगीतकार थी और ये इंग्लैंड के थे, ठीक है, इतना आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, रेल मंत्रालय ने हाल ही में किन के लिए किराए में मिलने वाली छूट को
ख़त्म कर दिया गया यानी बंद कर दिया गया। तो कौन दोस्तों, खिलाड़ियों को जो ट्रेन में छूट मिलती थी वो अब क्या समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे देखिए रेल मंत्रालय में क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 97 है दोस्तों आपका। क्वेश्चन नंबर 97 है, एशियाई विकास बैंक यानी कि एडीबी ने किस राज्य बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका सही आंसर दोस्तों आएगा आपका, हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सॉरी हिमाचल प्रदेश। क्या दोस्तों, हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एडीबी ने बागवानी को बढ़ावा देने के लिए एचपी के साथ यानी हिमाचल प्रदेश के साथ $10 मिलियन की हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में न्यू से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है। तो कौन है दोस्तों वो, सो वो आपका हुआ नरेंद्र तोमर यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर। किस देश ने हाल में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बड़ा तैनात किया है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं, इसका ऑप्शन दोस्तों आपका यहाँ पर है, मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ इसका, इसका ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन दे सकते हैं, रूस है, जापान है, बांग्लादेश है, चीन है। तो इसका सही आंसर दोस्तों होगा वो हो जाएगा आपका चीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चीन होगा। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया गया। इन दोस्तों राष्ट्रगान ने में एक शब्द को बदल दिया, तो कौन दोस्तों वो आपका ऑस्ट्रेलिया ने अभी हाल ही में अपने राष्ट्रगान जो उसका नेशनल सॉन्ग है उसको अपना एक शब्द उसका बदल दिया, एक वर्ड बदल दिया गया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस आईसीसी ने निम्न से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है। तो कौन हो सकता है दोस्तों वो, तो वो आपका होगा अपना विराट कोहली। ठीक है, आगे देखिए, आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द ईयर क्रिकेट से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो कौन हो सकता है दोस्तों, वो आगे आपका महेंद्र सिंह धोनी को स्पिरिट ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 103 दोस्तों आपका है, निम्नलिखित में से किस फुटबॉलर को दशक के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो किसको दोस्तों, या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, आगे देखिए, हाल में किस प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक का 87 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका सुनील कोठारी का। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 105 दोस्तों आपका है। देखिए दोस्तों, हम 100 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं, आप वीडियो में पूरा बने रहिए दोस्तों। 100 क्वेश्चन देखिए, मात्र कुछ ही मिनटों में दोस्तों हमने 100 क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि कम ही समय में आपको पूरा 650 क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, तो देखते वीडियो में दोस्तों बने रहिए लास्ट तक। तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस साल के अंत तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना तैयार की है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका 2026 तक। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका दिल्ली में ड्राइवर रहित ड्राइवरलेस मेट्रो। ठीक है, आगे देखिए, हाल में सुगाथा कुमारी का निधन हो गया, वे निम्न से किस क्षेत्र से संबंध रखती थी। तो किस क्षेत्र से संबंध रखती थी, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका, वो एक पोइट थी, वो क्या थी, उससे एक पॉइंट थे। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस राज्य में जाति के स्टिकर वाले वाहनों के मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो किस राज्य, तो कौन सा राज्य 108 का, इसका जो राइट आंसर दोस्तों जगह हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। क्या होता है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेनाओं के बीच समुद्र सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण चीन सागर में पैसिफिक अभ्यास किया गया। तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका वियतनाम। क्या दोस्तों हो जाएगा, वियतनाम। ठीक है, चलिए दोस्तों 110 क्वेश्चन कंप्लीट हो सकते हैं, चलिए देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 111 दोस्तों आपका, केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस वाहन पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों की वैधता को कब तक बढ़ा दिया गया है। तो कब तक दोस्तों, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 31 अगस्त
31 2021 तक। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में किस स्वास्थ्य बीमा योजना को का शुभारंभ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 113 आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? तो कौन दोस्तों, ये ओडिशा सरकार ने की है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 114 दोस्तों आपका है, क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न से किस राज्य में भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी स्थापित की गई है? तो किस देश में दोस्तों, किस राज्य में? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, पहली रिफाइनरी स्थापित की गई है। आगे देखिए, सुशासन दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है दोस्तों, ये आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 115 नंबर। ठीक है, चलिए, और किस राज्य सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून बनाने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एमपी ने दे दिया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 117 है आपका, अमेरिकी संसद ने बहुप्रतीक्षित कितने 100 अरब डॉलर का कोरोना वायरस महामारी सहायता पैकेज कानून पारित कर दिया है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 900 अरब डॉलर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस देश के मंत्रिमंडल ने देश के रक्षा बजट को लगातार 9वीं बार बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह आपका जापान ने दी है। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु एक विशेष अभियान वर्षात की शुरुआत किया है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों जगह वो होगा आपका उत्तर प्रदेश ने किया। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 120 आपका, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस बैंक पर लगे प्रतिबंधों को 3 महीने और आगे बढ़ा दिया है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जगह आपका पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, आगे देखिए, गोवा मुक्ति दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है, तो गोवा लिबरेशन डे दोस्तों 19 दिसंबर को प्रत्येक साल मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 दिसंबर। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 123 है आपका, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 123 है आपका, तमिलनाडु के ऑलराउंडर और 2 IPL टीमों में खेल चुके किस भारतीय क्रिकेटर ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास का ऐलान कर दिया है? तो किसने दोस्तों कर दिया है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यो महेश ने। ठीक है, आगे देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में भारत के पहले उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है, चलिए आगे देखिए 125 नंबर, एशियाई विकास बैंक यानी ADB ने पूर्वोत्तर राज्य में शहरी क्षेत्रों और पर्यटन के विकास हेतु त्रिपुरा सरकार को कितने करोड़ रुपए का ऋण देने की घोषणा की है? तो कितने करोड़ रुपए की, तो 2100 करोड़ रुपए। ठीक है, ADB ने त्रिपुरा को दिया है। ठीक है, विकास के लिए उद्योग मंडल SOCHM के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार निम्न से किसने संभाल लिया है? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा विनीत अग्रवाल ने। ठीक है, आगे देखिए, आगे आपका क्वेश्चन है, भारतीय सरकार ने हाल ही में IBC कोड यानी दिवाला और दिवालियापन संहिता के निलंबन को कब तक बढ़ा दिया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका मार्च 2021। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारत और किस देश ने अपने आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान रक्षा, पेट्रोकेमिकल और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका वियतनाम। ठीक है, आगे देखें, हाल में किस देश ने पहली बार अपने कृत्रिम सूर्य परमाणु संलयन रिएक्टर को सफलतापूर्वक संचालित किया है? क्वेश्चन नंबर 129, इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका चीन। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों चीन हो जाएगा। ठीक है, चीन हो जाएगा। आगे देखिए, हाल ही में फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में
निम्न में किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त दोस्तों? कमला हैरिस, जो कि वर्तमान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति है। ठीक है, ये दोस्तों भारतीय मूल की है, तमिलनाडु से बिलोंग करती है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 131 है आपका। अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम ने किस देश में राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में निवेश करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत। आगे देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 8,341 करोड़ रुपए की लागत वाले 18 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका राजस्थान में। कहाँ दोस्तों? राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 133 है। फॉर्मूला वन के किस दिग्गज खिलाड़ी और 7 बार के चैंपियन को 20 दिसंबर को BBC का साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया? इसका दोस्तों ऑप्शन देखते हैं हम, इसका ऑप्शन यहाँ है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा वो हो जाएगा आपका लुइस हैमिल्टन को। ये मर्सिडीज ड्राइवर दोस्तों मर्सिडीज से लाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हाल ही में किस फिल्म निर्देशक व वरिष्ठ अभिनेता का दक्षिण कोलकाता में निधन हो गया? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा दोस्तों आपका जगन्नाथ गुहा। ये एक फिल्म निर्देशक थे साउथ फिल्म इंडस्ट्रीज के। आगे देखिए, निम्न में किस दिग्गज फिल्म अभिनेता को अमेरिका के न्यू जर्सी में लाइफ टाइम अचीवमेंट के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका धर्मेंद्र जी को। ठीक है भाई, 2.5 किलो का हाथ वाले को। आगे देखिए 136 नंबर आपका क्वेश्चन दोस्तों। किस राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ राज्य में जल्लीकट्टू कार्यक्रम के आयोजन की इजाज़त दे दी है? तो कौन दोस्तों? तमिलनाडु। ठीक है, कौन जाएगा? तमिलनाडु। चलो, विश्व अल्पसंख्यक दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन दोस्तों? 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, हाइपरसोनिक विंड टनल HWT परीक्षण सुविधा प्राप्त करने वाला तीसरा देश निम्न में कौन सा देश बन गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जाएगा वो जाएगा आपका भारत। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों 139 नंबर क्वेश्चन आपका। निम्न में किस देश ने विश्व के सबसे बड़े रेडियो टेलीस्कोप का निर्माण किया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जाएगा आपका चीन ने किया। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य में बंदरों के लिए एक बचाव और पुनर्निवास केंद्र की स्थापना की गई है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तेलंगाना ने किया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 141 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 141 है आपका, तो क्वेश्चन नंबर 141 है, एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने किस राज्य सरकार में आधारभूत परियोजनाओं के विकास के लिए $42 लाख के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका त्रिपुरा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने केरल स्थित द अर्बन को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर कितने लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 50 लाख रुपए का। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 143 है आपका। हाल ही में किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों जगह वो जगह आपका अमेरिका देश ने की है। राष्ट्रीय गणित दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं? प्रत्येक साल 22 दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 145 देखिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 145 आपका, मंत्रालय ने हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कितने देश स्वदेशी खेलों को शामिल करने की मंजूरी की है? कितने? तो 4 खेलों को। ठीक है, आगे देखिए, जर्मनी के कोलोन में आयोजित कोलोन विश्व कप में भारतीय मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते 3 गोल्ड मेडल समेत निम्न से कौन मेडल अपने नाम किए हैं? कितने मेडल नाम किए हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा 9 मेडल। आगे देखिए, हाल ही में किस निगरानी पोत को भारतीय तटरक्षक बल में शामिल कर दिया गया है? तो किसको क्या है? सुजीत को। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? किस दिन? 20 दिसंबर को।
आगे देखिए, अमेरिकी स्पेस फोर्स ने हाल ही में अपने जवानों को नया नाम क्या दिया है? तो क्या दिया है दोस्तों? गार्जियंस दिया है, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 150 है आपका। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम 2019 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत जबरन धर्मांतरण पर अपने कितने साल सजा का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 7 साल का। हाल ही में किस देश का अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका रूस ने। पेटा इंडिया ने निम्न से किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया गया है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों जब हुआ आपका सोनू सूद को, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 153 आपका। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने स्वदेशी तरीके से विकसित निम्न में किस मिसाइल को ओडिशा के बालासोर के तट से सफल परीक्षण किया है? किसको किया? तो इसका राइट आंसर दोस्तों जब आपका पृथ्वी 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, विश्व बैंक ने भारत में विकास कार्यों में सहायता के मकसद से $80 करोड़ से अधिक की लागत वाली कितने परियोजनाओं को मंजूरी दी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 4 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में किस नई स्वदेशी नौका को शामिल किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका इंटरसेप्टर C-454 को शामिल किया गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 156 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 156 आपका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कच्छ में कितने महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का शिलान्यास किया? तो कितने किया दोस्तों? 3 का किया। हाल ही में मोरक्को और इसराइल ने किस देश की मध्यस्थता में अपने संबंधों को सामान्य करने पर सहमति व्यक्त की है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका अमेरिका, ठीक है। नीति आयोग ने हाल ही में सार्वजनिक स्वास्थ्य निगरानी के लिए किस नाम से श्वेत पत्र जारी किया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा विजन 2035। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। कर्नाटक के किस प्रसिद्ध विद्वान और कन्नड़ कवि का 84 वर्ष की आयु में उड़प्पी में निधन हो गया? कहाँ दोस्तों? उड़प्पी में हुआ था। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका बनंजय गोविंदाचार्य। आगे देखिए, हाल ही में किस देश की सेना ने सेनाध्यक्ष जनरल MM नरवणे को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्र आंसर सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखिए आप, अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान टीम के किस तेज गेंदबाज ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जाएगा आपका मोहम्मद आमिर ने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 162 आपका। क्वेश्चन नंबर 162 दोस्तों आपका है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। किसके दिवस पर मनाते हैं? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जब अफ्रीका से लौटे थे भारत, ठीक है दोस्तों, उसी दिन हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है, सॉरी दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर 18 दिसंबर होगा, क्योंकि दोस्तों सिर्फ प्रवासी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाते हैं 18 दिसंबर को, ठीक है। आगे देखिए, रक्षा मंत्रालय ने सेनाओं के तीनों अंगों के लिए कितने करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सैन्य उपकरण की खरीद की मंजूरी दे दी है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 28,000 करोड़ रुपए का, ठीक। आगे देखिए, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने हाल ही में फीफा बेस्ट मैन प्लेयर्स का अवार्ड जीता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। भारत और किस देश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहट्टी हल्दीबार रेल लाइन फिर से शुरू हुई है? इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका बांग्लादेश के बीच। किसके देश के दोस्तों? बांग्लादेश के बीच, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 55 वर्ष बाद चिलहट्टी हल्दीबार रेल लाइन फिर से शुरू की गई है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 166 है, निम्न से किस राज्य ने मुफ्त फसल योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने की है? तो ये किया है दोस्तों आपने आपका आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के प्रति सख्त रुख दिखाते हुए करेंसी मैनिपुलेटर्स यानी मुद्रा में हेरफेर करने वाले देशों की निगरानी सूची में डाल दिया है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा
ऑप्शन पहले देख लेते हैं हम। एक मिनट, हाँ इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा, वो होगा आपका भारत। क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर भारत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, खेल मंत्रालय ने किस समिति पर लगा बैन तुरंत तुरंत प्रभाव से हटा दिया है, तुरंत प्रभाव से हटा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 168 का, 168 का दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यानी कि भारतीय पैरालंपिक समिति। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका, संयुक्त राष्ट्र में विकास, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की तरफ से जारी मानव विकास सूचकांक में भारत निम्न से किस स्थान पर पहुंच गया है। उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, भारत किस स्थान पर पहुंच गया है, 131वां स्थान पर पहुंच गया है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आपका है, किस राज्य सरकार ने राज्य के रियल इस्टेट निर्माण कानूनों में एकरूपता लाने के और मजबूत बनाने हेतु यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेंस को मंजूरी दे दी, यानी UDCPR को मंजूरी दे दी है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, किस राज्य ने 170 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाराष्ट्र ने दे दिया। ठीक है, आगे देखिए, किस देश के पूर्व टेस्ट ऑलराउंडर एरिक फ्रीमैन का 76 साल की उम्र में निधन हो गया। तो किसका दोस्तों, किस देश का है वो, एरिक फ्रीमैन किस देश का है, तो ये है आपका दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो 171 क्वेश्चन कम्प्लीट हो सकता है, कम्प्लीट हो चुका है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 172 आपका है, क्वेश्चन नंबर 172 आपका, किस देश का चांग E5 यौन चंद्रमा की सतह से पत्थर और मिट्टी के नमूने लेकर पृथ्वी पर लौटाया है। तो कौन हो सकता है दोस्तों, चांग यौन नाम से ही पता चल रहा है चीन होगा। ठीक है, आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस हिमा कोहली को किस राज्य के हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस नियुक्त किया। तो क्या दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, इसका दोस्तों आंसर दोस्तों हो जाएगा तेलंगाना का। दोस्तों अभी अभी नई चीफ जस्टिस बनी है हिमा कोहली, पहली महिला है। ठीक है, आगे देखिए, साल 1959 में हिंद केसरी का खिताब जीतने वाले निम्न से किस पहलवान का 86 वर्ष की उम्र निधन हो गया है। तो किसका दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आपका श्रीपंत खांच नाले पहलवान जी का निधन हो गया। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 175 आपका, गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस सांसद अभिनेता को वाई कैटेगरी सुरक्षा प्रदान की है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सनी देओल। ठीक है, आगे देखिए, विजय दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है। तो किस दिन दोस्तों विजय दिवस मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 16 दिसंबर को विजय दिवस। ठीक है, आगे देखिए, किस देश के प्रधानमंत्री अगले साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी किस को समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। तो ये दोस्तों कौन होंगे, ब्रिटेन को होंगे। ठीक है, जो कि ये हो भी गया, अब नहीं आएंगे वो, नहीं आए वो। अगला ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन नेक्स्ट आपका, ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन पर भारत और किस देश के बीच हाल ही में द्विपक्षीय बैठक आयोजित की गई है। तो किस देश, भारत और किस देश के बीच, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जगह आपका भारत और म्यांमार के बीच। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 179 आपका, क्वेश्चन नंबर 79 आपका, 179, अमेरिका ने रूस से S-400 मिसाइल प्रणाली खरीदने हेतु किस देश के रक्षा उद्योग और उसके अध्यक्ष समन तीन अन्य अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तुर्की। ठीक है, आगे देखिए, ऊर्जा संरक्षण दिवस निम्न से किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 14 दिसंबर को हम दोस्तों ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। दक्षिण अफ्रीका टेस्ट टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है। तो किसे बनाया गया है, ये बनाया गया आपका क्विंटन डिकॉक को। ठीक है, आगे देखिए, आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति, आरबीआई ने मुद्रा नोटों की प्राप्ति भंडारण और भेजने के लिए किस शहर में एक स्वचालित बैंक प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका जयपुर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो जगह आपका असम। ठीक है, आगे देखिए, अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेते हैं दोस्तों, मैं यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो बिहार पुलिस का एग्जाम हो, चाहे रेलवे NTPC का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का SSC का, एक भी क्वेश्चन दोस्तों बाहर नहीं जाने वाला है। सो वीडियो दोस्तों पूरा जरूर देखना। हाल ही में पाकिस्तान और किस देश के बीच शाहीन हवाई अड्डा युद्धावास का आयोजन पाकिस्तान के सिंध के भोलाड़े में किया गया। उसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, पाकिस्तान और चीन। ठीक है, चीन के बीच।
किस देश ने फाइजर कोरोना वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? किस देश ने, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका अमेरिका। ठीक है, आगे देखिए, कोरोना वायरस के कारण लगाए गए लॉकडाउन की वजह से इस साल कार्बन डाइऑक्साइड के वैश्विक उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? तो कितने प्रतिशत, इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 7%। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 187 दोस्तों आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सचिवालय एवं सरकारी कर्मचारियों की टी शर्ट एवं जींस पहनकर दफ्तर में आने पर रोक लगा दिया है? तो किस राज्य ने, तो ये आपका महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, डाबर इंडिया लिमिटेड ने किस बॉलीवुड स्टार को डाबर च्यवनप्राश का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया, जो आप डाबर च्यवनप्राश दोस्तों खाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका अक्षय कुमार को। ठीक है, किस राज्य सरकार ने राज्य में शादी समारोह के लिए ऑनलाइन पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है? तो किस राज्य ने दोस्तों, ये किया आपका गुजरात ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 190 है आपका, क्वेश्चन नंबर 190 है आपका, अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ न्यूट्रलिटी निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं, तो ये मनाते हैं दोस्तों हम 12 दिसंबर को। हाल में किस बैंक ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों था वो हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा ने आत्मनिर्भर महिला स्वर्ण योजना शुरू की है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा किस निम्न से कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया, ये किया गया दोस्तों आपका स्विट्जरलैंड में। कहाँ दोस्तों, स्विट्जरलैंड में किया गया। ठीक है, आगे देखिए, विश्व में स्क्वैश फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में निम्न से किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया दोस्तों, तो ये चुना, इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा जेना वोल्ड्रिज को, स्क्वैश विश्व स्क्वैश फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, आगे देखिए, मानवाधिकार दिवस 2020 के लिए विषय क्या था, यानी कि थीम, मानवाधिकार दिवस 2020 का थीम क्या था? इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो होगा आपका फिर से बेहतर मानव अधिकारों के लिए खड़े हो जाओ, क्वेश्चन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखें, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए कितने खेलो इंडिया केंद्र खोलेगी? तो 195 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी दोस्तों, यानी कि 195 का आंसर हो जाएगा सी, 1000 खेलो इंडिया केंद्र। आगे देखिए, वॉलमार्ट ने किस देश से वर्ष 2027 तक 10 अरब डॉलर का निर्यात करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, भारत देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 197 देखिए, क्वेश्चन नंबर 197 है, अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस इंटरनेशनल माउंटेन डे निम्न से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 11 दिसंबर। ठीक है, आगे देखिए, हाल ही में भारतीय मूल की किस सांसद को कांग्रेसनल प्रोग्रेसिव कॉकस CPC के अध्यक्ष के तौर पर चुना गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रमिला जयपाल को। क्वेश्चन नंबर 199 देखिए, हाल ही में भारतीय टीम के किस विकेट कीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पार्थिव पटेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 200 देखिए, हाल में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पाओली रेजी का।